चलो अच्छा है, माहिरा और खान बेगम के जाने के बाद अब कोई परेशान करने वाला भी नहीं रहा। लोग सुहाग रात मनाते हैं, मैं सुहाग दिन मनाऊंगी। आजाद, अब तुम्हें पूरी तरह से मेरा होना ही होगा। मैं, तुम जो काला साया बन के मेरे शौहर के पीछे पड़ी हो, मुझे तो आना ही था। मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो, वो सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। तुम आज आजाद, ठीक है ना? क्या हो रहा है आप? क्या किया आजाद? मेरे शौहर के साथ क्या किया तुमने? शौहर, मायरा हक जताने से हक नहीं मिलता, हक छीनने से हक मिलता है। और अपने शौहर को मुझसे छीनने की तुम्हारी औकात नहीं। छीना उसे जाता है जो पराया हो। आजाद मेरे अपने। इतना अपनापन है कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि आजाद के साथ हुआ क्या? हाँ, क्योंकि वो तुम मुझे बताओगी। इतना गुस्सा सेहत के लिए सही नहीं है माहिरा। बकवास बंद कर, चुपचाप मुझे बताओ कि तुमने आजाद के साथ क्या किया है। नशे की दवाई दी तो थी कुछ करने के लिए, पर कुछ कर ही कहां पाई। उससे पहले ही तो तुम आ गई। पर तुम डरो मत, मेरा इरादा आजाद को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे शौहर को अपना बनाना चाहती थी, उसकी मोहब्बत को पाना चाहती थी। आफरीन, मोहब्बत के कायदे थोड़े अलग होते। मोहब्बत में दूसरे को जीतने के लिए खुद को हारना पड़ता। खुद को हारने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं। माहिरा, तुम्हें पता है अक्सर दिल वाले दिमाग वालों से हार जाते हैं। चलो कोई नहीं, मैं आजाद की मोहब्बत ना सही, आजाद को तो पाकर ही रहूंगी, और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे।
क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। मैं डायन डायन और तुम मामूली से कांच की गुड़िया। और कांच के खिलौने जब अपनी आई पे आ जाए ना तो कलाई काट देते हैं। कितनी कोशिश की तुमने मुझे मारने की, और तुम चाहे जितनी मर्जी ताकत लगा लो, जितने चाहे टूट के कर लो, ना मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी ना मेरे शौहर का। माहिरा, तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? इसीलिए ना, क्योंकि मैं एक शैतान हूं। पर क्या तुम्हें ये पता है कि जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो वो कौन है? क्या खान बेगम ने तुम्हें तुम्हारे शौहर की असलियत बताई? क्या तुम्हें ये पता है कि आजाद भी मेरे तरह ही एक शैतान दरिंदा दरिंदा वो जो भी है जैसे भी है मेरे शौहर। ओ, क्या लगा रखा है ये शौहर शौहर? मौलवी के सामने सर हिला के कबूल है बोलने से आजाद तुम्हारा शौहर बन गया? माहिरा, वो एक शैतान है और शैतान पर इंसानों के बनाए हुए कानून नहीं चलते। आजाद मेरी तरह मेरे लिए बनाया गया है। हम दोनों के पास काली ताकत है और वही हमें इंसानों से अलग बनाती है। तुम एक दरिंदे के साथ कितने दिन तक ये निकाह निभाओगी? कबूल है सिर्फ दो लफ्ज नहीं, ये मुंह से निकली हुई वो दुआ है जो सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। ये वो लफ्ज हैं जो ता उम्र का रिश्ता जोड़ देते हैं, और उस रिश्ते को तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। मैंने निकाह किया है आजाद के साथ, उन्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मजा आएगा। इंसान और शैतान की जंग तो बहुत पुरानी, पर इस बार ये देखना है कि इस जंग में जीत किसकी होगी, तुम्हारे यकीन की या मेरे ताकत की। मुझे तुम्हारे साथ ये चूहे बिल्ली का खेल कबूल। आजाद, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पहले मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत थी, लेकिन अब मैं आपकी बीवी हूं आजाद, और दुनिया की कोई भी ताकत मेरे रहते आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता आजाद। तो यही थे, बिस्तर पर थे, अचानक से कहां चले गए? मेरा पैर छोड़िए। तुम्हारी असलियत जानने के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता खान बेगम। मैंने कहा छोड़ो मेरा पैर। मैं तुम्हें अपने दोनों बेटे और माहिरा की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। अभी भी आपकी अकड़ नहीं गई है? आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस वक्त मेरी हालत क्या है और क्या चल रहा है? छोड़ो मेरा पैर। तुम्हारी ये हालत भी तुम्हारी खुद की करनी का नतीजा है। अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो अल्लाह तुम्हें जरूर सजा देगा। छोड़ो मेरा पैर। लोग तो सांप को दूध पिलाते हैं, मैंने अपने घर में
नागिन को पनाह देने की गलती की। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुम्हारी असलियत अपने बेटों के सामने लाके ही रहूंगा। मेरी बहन और तुम्हारे चेहरे पे जो जो नकाब है वो उतार के ही दमूंगा खान बेगम। अब आप मुझे समझाएंगे हाँ? और रही बात आपकी बाजी की, वो मर चुकी है, मर चुकी है। और मरते मरते मेरे लिए एक गले का फंदा पत्ता दे गई है। नहीं खान बेगम, नहीं जाने दूंगा तुम्हें। आनंद कुमार, आनंद कुमार, ये तो मर गए। गुरुत्व वक्त में मरना था इनको भी। आप इनकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाओ? खान बेगम, खान बेगम। अब्बू को क्या हुआ और ये व्हील चेयर पर क्यों है? अब्बू, अब तुम परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक है। वो थोड़े से थक गए हैं, अब दो दो निकाह हुए ना एक साथ। वैसे तुम आवाज क्यों दे रही थी? खान बेगम, बाहर पुलिस आई है। क्यों? उन्हें अमाद भाईजान की कार शहर के बाहर मिली है, लेक के पास। अमाद भी ना, इन्हें आराम करने दो, हम बाहर चलते हैं। कौन कहता है कि मरने के बाद कोई किसी के काम नहीं आता? अब आएगा मजा। इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता ये कोई परेशानी की बात है। कार मिली, अमाद कल रात ड्राइव पे गए थे, इसलिए शायद पता नहीं उन्होंने कार छोड़ दी होगी वहां पे। क्या बात है? खान बेगम, हमें आपके बेटे अमाद की कार शहर के बाहर एक झील के पास मिली है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी अभी उनका निकाह हुआ है। खान बेगम, मैंने कब से समझा रहा हूँ कि कल रात अमाद ड्राइव पे गए थे, मैंने उन्हें खुद जाते हुए देखा था कल जब मैं कायनात को घर छोड़ने के लिए आया था। हमें उनके रात में ड्राइव पर जाने पर कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि क्या कोई इस तरह से कार में चाबी लगाकर वीराने में कार छोड़ता है? भाई, अब तुम जाओ। वो इसलिए कि हमारा बंगलो वहाँ बहुत पास में है, अमाद अक्सर वहाँ जाया करता है, शायद वहीं गया होगा। आप आजकल के बच्चों को तो जानते हैं, जिम्मेदारी के नाम से ही बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। अमाद तो अपनी ही दुनिया में रहता है, उसे जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए तो हमने उसका निकाह करवाया था। अब देखिए ना, नई नवेली दुल्हन घर पे अकेली बैठी और वो पता नहीं कहाँ चला गया। खान बेगम, आप परेशान मत होइए, मैं तो बस ये देखने चला आया था कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। जी बिल्कुल सब ठीक है। ये यहाँ कैसे आए? कौन लेकर आया उन्हें यहाँ पर?
मुझे उम्मीद है कि अमाद आ ही जाएगा, बस आते ही होगा वो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आनंद कुमार जी, सर सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। माफ कीजिए, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैंने इनके कमरे तक लेके जाती हूँ। प्लीज खान बेगम, मैंने बचपन में इनकी फिल्म दिल का सौदा बहुत बार देखी है, सर का एक ऑटोग्राफ मिल जाता तो प्लीज। लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक 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 सेल्फी। कुछ लोग मर के भी पीछा नहीं छोड़ते, मुझे जल्द से जल्द इनसे छुटकारा पाना होगा। आज तो तुम बच गई खान बेगम, पर बहुत जल्द आप फंसेंगी जरूर। खड़े-खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? आके मेरी मदद करो। What you doing, खान बेगम? मेरा मतलब है कि मेरे होते हुए ये सब काम आप क्यों करेंगी? रुकिए, ये काम मैं कर देती हूँ। हो गया। बहुत भारी है, बट डोंट वरी खान बेगम, मैं ना बाहर से दरवाजे को लॉक कर दूंगी और किसी को ताका जाके भी नहीं करने दूंगी। हमें आज रात ही इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, बस मायरा की मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए। मैंने कुछ औरतों को बुलाया था, वो आ गए होंगे, तुम देखो। या डोंट वरी, जस्ट चिल, मैं सब संभाल लूंगी। साथ संभालिए अपने आप को, ये पी लीजिए, आराम से पी लीजिए। उस आफरीन ने आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है सब। और वैसे झूठ जितने चाहे नकाब ओढ़ ले, उसका चेहरा सामने आ ही जाता है। किसी बात की फिक्र मत कीजिए आजाद, मैं आपके साथ हूं। इस दुनिया में कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है मुझे आपसे जुदा कर सके। इंसान ना तो मैं इंसान हूं ना वो आफरी, मैं ये भी जानती हूं। खान बेगम ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मेरा इंसान कुछ देर तो अंधेरे में बिता सकता है लेकिन सारी जिंदगी अंधेरे में बिताना मुमकिन नहीं। मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो जाए इसलिए मैं ये निकाह किया, लेकिन आफरीन का इस तरह से आना ये साफ करता है कि मेरी बदकिस्मती तुम्हारी किस्मत बनती जा रही है, और ये मैं होने नहीं दूंगा। माहिरा आजाद, आप बेवजह फिक्र कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ आपसे कोई नहीं आ सकता हम दोनों के बीच, बस एक बार मेरा हाथ थाम लीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं क्या मोहब्बत की जंग जीतूंगा माहिरा, मैं तो खुद अपनी किस्मत से हार चुका, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा ये काला साया तुम्हारी जिंदगी पर पड़े। ये बेहतर होगा कि तुम उनसे दूर चले जाओ, मुझसे जितनी दूर रहोगी उतनी महफूज रहोगी माहिरा। आजाद,
निकाह के पहले दिन ही शौहर ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया। देखा, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा तुम लोगों को दूर करने के लिए। वो क्या है ना, अंधेरा आने पर अपना साया भी साथ छोड़ देता है। फिर तुम तो एक मामूली इंसान, तुम्हें तो आजाद का साथ छोड़ना ही होगा। मैं हार मानने वाली नहीं हूं। मैं आजाद को बचाऊंगी और तुमको इस घर से निकाल कर रहूंगी आफरीन।